ठीक है ना? 5 साल बाद आपको देख रही हूँ वीर जी। मेरी वो सास मुझे आप दोनों से मिलने ही नहीं देती। उनसे छुपते छुपाते आई हूँ मैं आज आप लोगों से मिलने। और कैसे भाई हैं आप? इन 5 सालों में आपने मेरा हाल तक नहीं पूछा। 5 सालों में? वाह, अचानक 5 साल बाद तुम्हें हम सबकी याद आ गई। गिनी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ आई नहीं हो, तुम्हें कुलवंत कौर ने यहाँ भेजा है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। गिनी सच बताओ, इस टाइम कुलवंत कौर के दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा मत कहो भाभी, मैं सोते जागते उठते बैठते आपको और वीर जी को याद करती रहती हूँ। लेकिन वो मेरी सास मुझे आप दोनों से मिलने तक नहीं देती। इतनी मुश्किल से छुपते छुपाते आई हूँ आप लोगों से मिलने। बेबी, मेरी बहन ठीक कह रही है, पर तुम तो कुलवंत कौर को जानती हो। वही तो पॉइंट है मेरा कि कुलवंत कौर को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले ही उन्होंने हमारे घर में इतना जहर घोल रखा है, हर हफ्ते हमारे गेट के बाहर आकर मातम मनाती हैं। डोंट माइंड गिनी, बट अब हमारा उस घर और उस घर के लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम भी जा सकती हो। ठीक है भाभी, मैं यहाँ कुलवंत कौर की बहू बन के नहीं बल्कि वीर जी की बहन बन के आई हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं चली जाती हूँ।